पर सारे के सारे जो प्रोकैरियोट हैं, इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझो कि इसके अंदर में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर को भी बता के चल रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आप देखते हैं कि एक है यहां पे मेम्ब्रेन, ये जो हरा कलर का लेयर है जिसको मैं गायब कर रहा हूं धीरे से, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कंसिडर्ड एज ए सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है, अंदर में होता है, क्लियर है बातें। अब है दूसरी बात, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी काम आएगा, यहां पे देखिए कि यहां पे एक जो लेयर आप देख रहे हैं ना इस तरह से, ये मोटा लेयर, ये लेयर चारों तरफ में है इस टाइप का मोटा है, यह है क्या चीज, इसे कहते हैं सेल वॉल। तो अब यह है कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है क्या, आंसर है यस, सेल वॉल होता है। यह परीक्षा में आता है कि यह सेल वॉल किसका बना होता है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोकैरियोट का सेल वॉल किससे बना होता है, नीट के एग्जाम में आईसीआर यूजी बायोलॉजी में पूछा गया है। फिर भी यदि इसको हम और डिटेल जाएंगे, बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे, तो ये देखेंगे बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे देखो कि एक और चीज आपको दिखाई देगा कि साइड साइड में ये जो लेयर बना हुआ है ऐसा करका मोटा, इसे कहते हैं कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल हो गया, अब जो भी अंदर में ऐसा लिक्विड पाया जा रहा है ना, तो इस लिक्विड को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिक्विड है, इस तरह के जो भी मटेरियल हैं ये उसके अंदर का एक तरह का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म इस प्रोकैरियोट का। और इधर पे ऐसा जो बिंदी बिंदी जो दिख रहा है ना साइटोप्लाज्म में, ये राइबोसोम है। तो ये भी याद रखना कि राइबोसोम महत्वपूर्ण है, क्योंकि राइबोसोम वो जगह है जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, इसी राइबोसोम में। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, ये दोनों पॉइंट मस्ट है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और पॉइंट, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये तो इस तरह के जो यहां पे लगे हैं ये इसका डीएनए है, तो इसके अंदर में भी डीएनए है, लेकिन इसका डीएनए कहां घुला है, साइटोप्लाज्म में खुला घुला हुआ है। यह प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में ऐसा पाया जाता है, और जो ऐसा बाहर की तरह में छोटे छोटे होते हैं होस्ट में पकड़ने के लिए से फिमरी कहते हैं, और लंबा एक ज्यादा लंबा टेल डेवलप होता है वो फ्लैजिलम कहते हैं। तो फ्लैजिलम का काम, इसे पानी में बैक्टीरिया पाया जाएगा तो फ्लैजिलम का काम है इसको आगे पहुंचाना, और फिमरी का जो मुख्य काम होता है ये होस्ट में चिपकने के काम आता है। जैसे ये बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर घुस गया, इंसान के सेल के अंदर में चिपकेगा या प्लांट के सेल के अंदर में चिपकेगा, तो फिमरी है वो उसको वहां पे चिपकने में मदद करता है। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट है वो बताता हूं कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सब में सेल वॉल पाया जाता है, और उसके जस्ट बाद में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्लियर है। इसके अंदर में जो मैट्रिक्स टाइप का होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर में इस तरह का एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसे क्रोमोजोम या डीएनए कहते हैं। ये सेल के अंदर में यह डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्लियर है बातें, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहां पे जो पाया नहीं जाता वो कौन सा पाया नहीं जाता, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के अंदर में उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह है कुछ नहीं पाए जाते, क्लियर है बातें कि क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ वो बताऊंगा। यहां पे अभी दो चीजें हैं जो अभी बताने बाकी है, मैं कलर पिक कर रहा था कि कौन सा कलर में बताऊं।
इस जगह में ना, इस जगह में एक और छोटा सा चीज होता है ऐसा ऐसा ऐसा, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, ऐसा होता है ऐसा ऐसा, तो इसे कहते हैं सर्कुलर डीएनए। ये स्मॉल साइज का होता है, ये स्मॉल साइज का सर्कुलर होता है और ये क्या है, डीएनए है। तो आप जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और सबसे ज्यादा रोल आज के टाइम में प्लाज्मिड का है। जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है ना, जो बीटी काटन है, उनमें इस प्लाज्मिड का खूब जिक्र होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर होता है इस तरह का। तो इस प्लाज्मिड डीएनए को जानिए कि किसी भी बैक्टीरिया में स्मॉल साइज का सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और ये सिंगल क्रोमोजोम का बना होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में। ये बाहर में इस तरह से सेपरेट पाए जाते हैं, मेन जो डीएनए है उनको छोड़ के। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये यूनिक फिनोटाइप करेक्टर रखते हैं। ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए जो जीन चाहिए वो इन्हीं के अंदर पाया जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। इसीलिए जो बैक्टीरिया है ना वो आसानी से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। आ रहा समझ में? अब मैं बात करूंगा, ये जो सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए है ये यूज्ड होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लें। तो याद है मैंने बीटी कॉटन वाला बात कहा था, बीटी कॉटन का टेक्निक में आपको समझ में आएगा कि कैसे प्लाज्मिड का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जीन का Oh, oh, oh.